आप अपना ख्याल रखो, आपको कुछ हो जाएगा तो क्या करूंगा मैं? अरे आपके बगैर जीने की आदत नहीं है, मर जाऊंगा ना, उसके बाद जो करना हो कर लेना। ऐसी बातें क्यों करता है पुत्र, मुझे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब सब ख्याल रखना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादी, आपको फिट एंड फाइन रहना है, चुस्त तंदुरुस्त बिल्कुल, हमें आपकी बहुत जरूरत है। हमें क्या मतलब, आपके बेटे को आपकी जरूरत है, पोतों को आपकी जरूरत है, और इनफैक्ट आपकी बहू को तो आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक सास ही तो होती है जो बहू को डांट सकती है कि नहीं? अब बिना सास के सास और बहू का कंपटीशन कैसे होगा, मजा ही नहीं आएगा। और डैड को भी तो डांटने वाला कोई चाहिए ना, कि मॉम का ज्यादा साथ देते हैं और आपका कम, ऑब्वियसली आप नहीं होगे तो डांटेगा कौन इनको? इसलिए आपकी बहुत जरूरत है इस घर को, बिना आपके ना इस घर में रहना दुश्वार हो जाएगा। सच कह रहा हूँ, सही बोल, बिल्कुल सही, 100% सही। एक बहू के सर पे सास का होना बहुत जरूरी, करेक्ट। माँ की फटकार की भी जरूरत होती है, माँ के प्यार की भी जरूरत होती है। हाँ प्यार, डांट फटकार घर में रिश्ते नहीं बनाते, घर को तोड़ते हैं मित्र। प्यार रिश्ते बनाता है, घर को बनाता है। मैं तो अपनी बहुओं को बहुत प्यार करती हूँ, मैं डांट फटकार वाली सास नहीं बन सकती, बिल्कुल भी नहीं बन सकती। याद है तुझे, मैं प्रीता को कितना प्यार करती थी, उसे बहू नहीं बेटी मानती हूँ मैं। मम्मी का कहना ये है कि इन्होंने उसे बेटी माना, लेकिन मम्मी कितना झूठ बोलते हो। शुरू शुरू में तो आप भी प्रीता को खूब डांटती थी, कहाँ पसंद करती थी आप उसे, खूब फटकारती थी। वो बात अलग है, बाद में आपने अपना पूरा प्यार दुलार सब उस पर लुटा दिया। समझ गई मैं, प्यार में फटकार है और फटकार में प्यार है। मुझे प्रीता के होने का एहसास क्यों हो रहा है, जैसे वो यहीं कहीं है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ इसे, कहाँ चला गया ये? पता नहीं माँ, सुबह से अजीब रिएक्शन दे रहा। हल्की क्या हुआ, तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ? नहीं कुछ तो मिसिंग है, कहाँ छुपा है बताओ, जल्दी बताओ कहाँ है, क्या क्या कहाँ छुपा है, क्या छुपाया है मैंने? पलकी देखो मजाक मत करो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, बताओ मेरे लिए वो चीज बहुत जरूरी है, बताओ कहाँ छुपा है। राजवीर अगर तुम बताओगे क्या ढूंढ रहे हो तो मुझे पता चलेगा ना क्या इम्पोर्टेंट, क्या छुपाया मैंने? तुम्हारी स्माइल, बताओ। कैसी बातें करने लगे, पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करते थे। पहले क्या, उससे पहले भी मैं ऐसी बातें नहीं करता था और किसी से भी नहीं की। क्यों, पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? तुम्हें नहीं लगता ये पूछने के लिए थोड़ी सी देरी हो गई है? अब क्या फर्क पड़ता है, अगर होगी भी तो अब तो हमारा रोका हो गया है ना। मैंने पहले तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अगर सच में निकल जाती तो उसे तुम्हारी लाइफ से निकालना पड़ता ना, क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझे बहुत पसंद हो। बल्कि मैंने ना आज से पहले किसी से भी ऐसी बातें नहीं की, क्योंकि तुम जो मुझे पहले नहीं मिली, तुम ऐसी मुस्कुराती रहना। अब क्या याद आ गया? ये स्माइल कहाँ गई? मैं बस सोच रही थी कि वो शौर्य तुम्हारे जैसा क्यों नहीं है। Thank God वो मेरे जैसा नहीं है, अगर वो मेरे जैसा होता और तुम्हें वो पसंद आ जाता तो। जी प्लीज, मुझे तुम्हारे अलावा कभी कोई पसंद नहीं आ सकता, और मैं ये इसलिए कह रही थी क्योंकि शौर्य अगर अच्छा लड़का होता तो शनाया की लाइफ एकदम सॉर्ट हो जाती ना राजवीर, वो कितनी खुश रहती, उसके साथ भी कोई एक लविंग रिस्पेक्टफुल पार्टनर होता। लेकिन नहीं, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मैंने उसे इतना समझाया कि शौर्य अच्छा लड़का नहीं है, वो उसके लायक नहीं है, उसकी शादी। काम डाउन, शादी नहीं हुई है, उनका सिर्फ रोका हुआ है, और हमारे पास बहुत टाइम है, अभी बहुत ज्यादा टाइम है, और शनाया के पास भी टाइम है ये रियलाइज करने के लिए कि शौर्य उसके लिए सही लड़का है या नहीं। लेकिन तुम ना, तुम ऐसे उदास मत हुआ करो, मैंने कहा ना तुम्हारी ये स्माइल मेरा सुकून है।
Keep smiling. Okay. क्या? क्या क्या? तूने सुना नहीं? यार मैं पिक्चर्स क्लिक करूं? Of course, Sandy. What's the big deal again? Big deal? यार कितना बेवकूफ लगूंगा मैं पूरे रोके मैं पलकी के फोटोज खींच रहा हूँ. बहुत बड़ा स्टार है ना तू. एक काम कर. तू एक कोने में खड़ा हो जा. किसी चीज के पीछे छुप जा. I don't care. But तू वो फोटोज क्लिक करेगा. मुझे पलकी की सोलो पिक्चर्स चाहिए सैंडी. और याद रखना उस फ्रेम में कोई और होना नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट पलकी सोलो पिक्चर्स. फ्रेम में और कोई नहीं चाहिए. ये कैसी बातें कर रहा है ब्रो? मुझे नहीं लगता तू ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है. मैं तुझसे एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ. एक. तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है सैंडी. एक काम नहीं कर सकता तू मेरे लिए? शांत हो जा, शांत हो जा. मैं करता हूँ. सारे पिक्चर्स मैं क्लिक कर दूंगा. अब चाहे जो हो जाए. बस तू शांत हो जा मेरे भाई. स्टॉप इट. स्टॉप दिस. ओके. मुझे पता है तू क्या कर रहा है. आई नो कि तू मेरी फैमिली की तरह बिहेव कर रहा है. मुझे ये फैमिली वाला टॉर्चर मत दे. ठीक है? इनफ. सीरियसली कोई ले नहीं रहा मुझे. आई लव पलकी. कोई तो मुझे सीरियसली लो. मेरी हेल्प करो. फॉर वंस. डोंट वरी ब्रदर. मैं कुछ करता हूँ. सब चाहते हैं कि मेरा और शनाया का रिश्ता हो जाए. ठीक है. तुम सबको वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए. पर जो मुझे चाहिए वो भी मुझे मिलना चाहिए. सब चाहते हैं मेरा शनाया का रिश्ता हो. पर मैं चाहता हूं कि पलकी और मेरा रिश्ता हो. चाहता हूं कि पलकी और मेरी शादी हो. कैसे हो बस वो फिगर आउट करना है. आप खुश रहो. मुझे लगा आप नहीं आओगे. क्यों? ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि मैं नहीं आऊंगी? मैंने तो आना ही था. थैंक यू सो मच कि आप आए. आप जब मेरे आसपास होते हो तो मुझे बहुत स्पेशल फील होता है. बहुत अच्छा फील होता है. पहले मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं. आप हमेशा मुझे बहुत अच्छा फील कराते हो. रियली? पता है जब तू मेरे आसपास होता है ना तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है. कनेक्शन है ना हम दोनों के बीच. मुझे तो तू बिल्कुल अपने बेटे जैसा लगता है. इतना प्यारा लगता है तू. इसीलिए तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और तेरे रोके में तुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए चली आई. I'm so happy कि आप आए. You know what? मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है. लास्ट टाइम भी जब मैं इतनी प्रॉब्लम्स में था तब मेरी किसी ने नहीं सुनी एक्सेप्ट फॉर यू. सिर्फ आपने मुझे सपोर्ट किया और अभी मुझे आपकी बहुत जरूरत है. लेकिन अभी इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स है? ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुझे सपोर्ट की जरूरत है? पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी हेल्प करेंगी, मेरा सपोर्ट करेंगी और इस डिसीजन में मेरा साथ देंगी. मेरा साथ कोई दे ही नहीं रहा. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू एवरीवन. मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा. पंडित जी, मुहूर्त में कितना टाइम है? बस थोड़ी देर में रोके का मुहूर्त शुरू होने वाला है. ठीक है. ये इतना गुस्से में क्यों दिख रही है? क्या हो गया? इस तरह के इंसान है आप. ना ही अच्छे बाप है और ना ही अच्छे पति. आज तक आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया और ना ही अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए. वो तो मेरी और शनाया की मेहनत की वजह से मेरी बेटी शनाया की शादी इतने बड़े घर में हो रही. तुम्हारी वो झोला छाप डॉक्टर बेटी इस शादी को रोकने में लगी हुई है. मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए और अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा लीजिए कि ज्यादा दिमाग ना दौड़ाए. बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने लगी है वो अपना. लेकिन हुआ क्या? अरे जी, तरह क्या हुआ? अब कुछ भी नहीं. मुझसे मत छुपा. मुझे अच्छी तरह से पता है शौर्य ने शादी का रिश्ता तोड़ दिया ना.
कैसे पता? वो तेरी सो कॉल्ड सिस्टर, बहन, बल्कि उसने सारा कुछ सुना, मुझे आके बताया। मुझसे कह रही थी ये शादी का रिश्ता तोड़ो। उसका दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया उसका। वो नहीं चाहती कि तेरी शादी शौर्य के साथ हो। वो मुझसे कह रही थी रिश्ता तोड़ दो, इसलिए याद रख वो तुझसे चलती है। आज के बाद बल्कि को अपनी कोई बात बताने की जरूरत नहीं है, वो तेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। ऑफ कोर्स मैं साथ दूंगी, लेकिन बात क्या है? जाओ बाबा, मेरी फैमिली से मिलो और उन्हें एक्सप्लेन करो कि तुमने ये सब क्या किया है। उन्हें बताओ कि तुम सिर्फ नशे में थी और तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं और मुझे तुमसे कोई प्यार। बस बस। सुनी वेरी केयरफुल, ये आखिरी बार था। अगर आज के बाद ऐसी हरकत तुमने वापस की ना, तो मैं खुद तुम्हें सलाह करूं तो पीछे छोड़कर आऊंगा। शनाय के साथ शादी करो, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? सॉरी, तूने मुझे अभी तक बताया नहीं किस बात को लेकर इतना परेशान है। क्या आप मेरे पापा से बात करेंगे? तुम्हारे पापा से? मतलब मैं से करण लूथरा? ओके, पर किस बारे में? आप इतनी अच्छी क्यों हो? जैसे आप मेरी हर बात सुनते हो, समझते हो। मैं ट्राई करता रहता हूँ, कोई मेरी बात सुनता भी नहीं, सुनना पसंद भी नहीं करता। आप मुझे हमेशा सुनते हो and that makes me feel very special. Because you are special. तेरा मेरा जो रिश्ता है शायद तुझे भी नहीं पता। रीता तो शौर्य को सच बताने जा रही है। पता है मुझे क्या लगता है, कभी कभी कुछ चीजें ना जानना ही बेस्ट होता है। जैसे ये रिश्ता, अगर ये रिश्ते के बारे में पता होता या ये रिश्ता क्या है हमें ये पता होता, तो इससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती और वो एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल ना हो तो उससे डिसअपॉइंटमेंट ही होती है, सिर्फ तकलीफ। शौर्य, मुझे नहीं पता कि तू ऐसा क्यों सोचता है, क्यों किसी से एक्सपेक्टेशन रखने में डरता है, लेकिन अब मैं हूं ना तेरे आसपास, तेरे साथ, तू मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता है एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, प्रॉमिस। पता है मैंने तो तेरे रोके के लिए शगुन का थाल भी बनाया था, लेकिन जल्दी जल्दी मैं घर से निकली तो थाल घर पर ही रह गया। पर मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ना शनाया को अपनी ये चूड़ियां गिफ्ट करूंगी। बस ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए ब्लेसिंग्स होंगी। देखना, सब लोग इतना जल जाएंगे, कहेंगे कि कितना प्यार करती है शौर्य से कि अपनी चूड़ियां गिफ्ट कर दी। लेकिन कहीं राजवीर गुस्सा ना हो जाए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे क्यों बुलाया? मुझे तो नहीं समझ आ रहा, वो डेफिनेटली अपने बेटे का ना रोका सेरेमनी करने आई है। चलो तो मैंने डिस्कस ही कर दिया, मुझे लगा था वो नहीं आएगी, पर वो तो यहाँ। बेब्स रिलैक्स। देख, अब तुझे तय करना है कि तुझे उससे डर कर छुपना है या बिना डरे उसका सामना करना है। अरे कैसे करूं सामना रूप, वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है, अगर उसने सबके सामने सब कुछ बोल दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी ना। इसका मतलब तूने तय कर लिया है तू उससे डरेगी। बेब, तुझे कैसे समझ में नहीं आ रहा, अगर अब तू उससे डरी ना तो वो हमेशा तुझे डराती रहेगी। अरे मैं डर नहीं रही हूँ रूप, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उसने शौर्य का रुका किया तो सबको पता चल जाएगा, शौर्य को पता चल जाएगा कि उसकी माँ वो है, और फिर मेरे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बेब्स,
कि तूने ही तो अभी कहा ना कि वो छोरे के रोके के लिए आई है यहाँ। हाँ वो आई तो रोके के लिए, लेकिन अभी वो बाहर सबके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे वो राजवीर की माँ है और राजवीर के लिए यहाँ पे आई है। रोम, मैं बहुत श्योर वो डेफिनेटली कोई बहुत बड़े मकसद से यहाँ पे आई है, वो कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाली। डोंट वरी, ये हम होने नहीं देंगे। लेट मी थिंक समथिंग, क्या कर सकते हैं। आइडिया बेब्स, लास्ट टाइम जैसे हमने प्रीता को कमरे में बंद किया था, इस बार भी वैसे ही कमरे में बंद कर देते हैं। ये आइडिया लास्ट टाइम भी वर्क किया था, देखना इस बार भी जरूर वर्क करेगा। मैं एक सेकंड आया राहुल। किसको ढूंढ रहा है तू? क्या हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ चल, कुछ नहीं हुआ। क्या क्या कुछ नहीं हुआ? छुपा रहा है मुझसे? अरे नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। एक्चुअली पहले मैं सोच रहा था बता दूं, लेकिन अब मुझे लगता है क्या छोटी सी बात है, क्या बता नहीं। चल ना अंदर चलते। बचपन से ना तेरी एक आदत नहीं गई फुटेज लेने की। इतना सा था ना तब भी रूस के बैठा रहता था। जब तक मुझे 10 बार मनाओगे नहीं मैं नहीं बताऊंगा। बताना है लेकिन 10 बार जिंदे करूंगा तो बताएगा। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी कोई बात नहीं? ठीक चुप। अरे यार पता नहीं, मैं भी पागल हूँ। हमारे यहाँ पर पार्टी है, गेस्ट हमारे यहाँ पर आए हैं, इनके साथ मिलकर बात करते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं कोने में मुंह लटका के बैठा हूँ। चल वैसे भी अच्छा नहीं लगता यार, कम ऑन लेट्स गो। भाई नहीं है मेरा, दिल में क्या चल रहा बताएगा नहीं। बता क्या हुआ? प्रीता नहीं आई यार अब तक। मामला दिल का है। एंगी टेंशन नहीं, लेकिन कब? मतलब नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। आज उसके बेटे का रोका है, इतना बड़ा दिन है उसके लिए, और तूने कहा था, डैड ने कहा था कि मैं उसको बताऊं या ना बताऊं, उसे खुद समझ में आ जाए, उसे खुद महसूस होगा, उसे एहसास होगा कि आज उसके बेटे का रोका है। उसको तो अब तक आ जाना चाहिए। देखना देख, मैंने जो कपड़े भी पहने हैं उसके फेवरेट कलर के पहने हैं, उसको अच्छे लगते हैं ना पेस्टल कलर्स, मैंने वही पहना हुआ है। लेकिन अब तक नहीं आई यार। थोड़े से पेशेंस रखेगा, क्या रख, क्या बोलता है दिल? दिल बोलता है ना आएंगे, 110% आएंगे, समझा? लेकिन कब तक यार, हद होती है ना किसी चीज की। यार हद तेरी होती है, तू पेशेंस नहीं रख सकता। तू क्या करता, तू प्यार करता है, पेशेंस नहीं रख। पेशेंस रख, आएंगे। नहीं नहीं आए। कारण? अगर आना होता ना वो अब तक आ चुकी होती, अब नहीं आएगी। मैंने कहा ना तुझे वो प्रीता जी आएंगे। कब तक आएंगे? बहुत जल्द, रोके से पहले। पक्का? तुझे कहा ना मेरे भाई, ये राजवीर बहुत लकी है ना, उसके पास आप जो हो। नहीं मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास राजवीर है। इतना प्यारा, इतना सिंपल, इतना ऑनेस्ट, इतना अच्छा बच्चा, ये तो मेरे लिए लक की बात है। अरे लेकिन तू कुछ बोल रहा था ना कि सपोर्ट चाहिए, बता ना किस बात को लेकर। वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अभी नहीं बताएगा, बाद में बताएगा। अच्छा ठीक है, ओके। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, शनाया से शादी होने वाली है तेरी। अच्छी लड़की है पता है, इतनी सुंदर, कितनी गॉर्जियस दिखती है ना, वेरी वेल रेड, वेल स्पोकन, और मॉडर्न दिखते हुए भी घरेलू भी है। आई एम श्योर वो घर के भी सारे काम कर लेती होगी। हाँ एक चाय वो भी बनाना सीख जाएगी। अच्छी लड़की पसंद की तूने। पलकी पलकी
बल्कि तो बहुत बहुत अच्छी है। Correct. तुम दोनों को ही बहुत अच्छी लड़कियां मिली। I'm so happy. क्या सब तुझे नीचे बुला रहे हैं? अच्छा चलो चलते हैं। हाँ, एक सेकेंड, वो आपका काजल फैल गया है मेरा। ओह, तुझसे मिलके इमोशनल हो जाती हूँ ना, तो शायद फैल गया होगा। अच्छा मैं ठीक करके आती हूँ, तू जा जा। सुन, तू ना किसी भी बहाने से प्रीता को मेरे रूम में ले गया। मैं क्या बोलूंगी? कुछ भी बोल ना, बोल। रोके का कुछ सामान चाहिए या कोई भी बहाना बना उसको वहां लेके, और मैं उसे ना वहीं उसी रूम में लॉक कर दूंगी। ठीक है? ठीक है, मैं वहां चुकी हूँ, तू जा। एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी? ऑफ कोर्स, क्या हेल्प चाहिए आपको? वो ना रुके को कुछ सामान लाना था, वैसे एक लड़की आ रही थी मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन पता नहीं उसे कुछ काम आ गया तो वो वही रुक गई। आप करेंगी प्लीज? हाँ हाँ, मैं करती हूँ ना आपकी हेल्प। चलिए, थैंक यू। वैसे आप शौर्य की क्या लगती हैं? मैं क्या हुआ? ये क्या था? मैं देख लेगा। तुम्हें ये लोग दिख रहे हैं? तो तुम इनके बारे में सोच रही हो कि अगर ये लोग ऐसे मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ते हुए देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? दिल को सुकून मिला जो तू मिला, यारा वे मेरे यारा।